आजादी के बाद 70 साल से जो कलंक था देश के ऊपर, दो विधान दो निशान दो प्रधान का आज भारत के पार्लियामेंट में समाप्त कर दिया है और देश आज पूरा देश एकात्म होकर के आगे बढ़ेगा, इसका फैसला आज पार्लियामेंट ने किया है। मैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं भारत के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का और उनकी पूरी सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ लोगों की जो आशा आकांक्षा थी उसकी आज पूर्ति किए। आप जानते हैं धारा 370 के खिलाफ भारतीय जनसंघ अपने स्थापना काल से ही मुखर रहा है और हमने यहां तक लड़ाई लड़ी है, हमने अपने प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष का बलिदान किया है और प्रारंभ काल से हम अपने घोषणा पत्र में लगातार इस बात का जिक्र करते रहे धारा 370 समाप्त करेंगे। आज वह ऐतिहासिक दिन आ गया जब इस देश के अंदर से धारा 370 और 35 की समाप्ति हो रही है और ये जो समाप्ति है, ये जो निर्णय है, ये निर्णय केवल भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लागू करने के लिए नहीं बल्कि निर्णय जम्मू और कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए भी, ये निर्णय इसलिए भी आवश्यक था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा था, ये इसलिए भी आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा था। करो भाई और साथ साथ धारा 370 जम्मू कश्मीर के विकास में एक बड़ी बाधा बनकर उभर करके आया था और सबसे आगे बढ़ के देखेंगे आप ये पूरी तरह से कश्मीर में आतंकवादियों को शिकस्त देने में बाधा उत्पन्न कर रहा था और इसलिए हमारी सरकार ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इस प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया। मित्रों आप जानते हैं धारा 370 के जो प्रावधान बहुत विचित्र है, देश के अंदर जो कानून बनाती है भारत की पार्लियामेंट वो सारे कानून का जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकते। इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि